हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया ही होंगे। तो मुझे पता है आप सभी का मन करता होगा कभी न कभी माइनक्राफ्ट खेलने का, लेकिन आप सोचते होंगे कि नहीं, 600 रुपए तो मैं नहीं खेल सकता। तो आज इस चीज को सोल्व करने के लिए आप लोगों के लिए लेके आ गया हूँ माइनक्राफ्ट के कुछ क्लोन्स, जो कि क्लोन कम और माइनक्राफ्ट ज्यादा लगते हैं। तो चलो, पहला क्लोन जिसको आप सब लोगों ने सुना होगा, उसका नाम है लोकी क्रॉफ्ट। तो देखते हैं इसमें क्या है। भले ही ये शुरू थोड़ा सा अलग हो रहा है, लेकिन अंदर घुसने पे यहाँ पर भी हमें 3 ऑप्शन मिल जाते हैं, वर्ल्ड, फ्रेंड्स और सर्वर का। समझ की बात है कि आप सर्वर भी खेल सकते हो, लेकिन मैं अभी आपको वो नहीं बताऊं, क्योंकि वो नहीं बताऊं। उसके बाद हम जाएंगे यहाँ पर क्रिएट में और क्रिएट कर देंगे न्यू वर्ल्ड। थोड़ी देर लोडिंग होगी और थोड़ी देर लोडिंग होने के बाद में हमारा गेम स्टार्ट हो जाएगा। और यार, ये बिल्कुल ही माइनक्राफ्ट जैसा है। इसके अंदर सिर्फ इसका जो टेक्सचर पैक है वो माइनक्राफ्ट के अलग है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं है। आप इसमें माइनक्राफ्ट के सर्वर खेल सकते हो, आप इसमें ज्वाइन कर सकते हो अपने माइनक्राफ्ट वाले दोस्त को, जिसके पास रियल माइनक्राफ्ट हो उसका वर्ल्ड ज्वाइन कर सकते हो, उसे अपने में इन्वाइट कर सकते हो। ये सारी चीजें सेम है। इसके अलावा इसके अंदर हम और भी चीज का देखेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा घूम कर देखते हैं कि कैसा एनवायरनमेंट है। अभी हमने गाय तो देख ही ली है, और यहाँ से मैं थोड़ा सा घूमता हूँ, मुझे मिल जाती है एक बिल्ली। तो मैं बिल्ली को लगाता हूँ ठिकाने, और बिल्ली को ठिकाने लगाने के बाद मैं जाता हूँ थोड़े से आगे। बिल्ली बात मार रही है, तो बिल्ली को ठिकाने लगाने के बाद मैं जाता हूँ थोड़ा सा आगे, मुझे मिल जाता है एक पांडा। ये पांडा ऐसा पहला गेम है यार जिसमें मैंने पांडा को दिखा था। इसके पहले मैंने बहुत सारे क्लोन ट्राई किए। तो हम इस पांडा को भी लगाते हैं ठिकाने। पांडा को ठिकाना लगाने के बाद हम थोड़े से आगे जाते हैं, और वहां पे हमें मिल जाते हैं थोड़े से रखे हुए कद्दू। तो हम कद्दू को भी ठिकाने लगाते हैं। कद्दू को ठिकाना लगाने के बाद हम चलते हैं थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा और एक्सप्लोर करते हैं। तो जब हम कर रहे होते तो हमें मिल जाता है एक बी हाइव, जिसकी हम छेड़ नहीं करते क्योंकि हमें मधुमक्खियों से नहीं बनना है। हमें मिलता है तोता, और हम तोते को भी ठिकाने लगाते हैं। तो फिर हमें मिल जाती है कुछ भेड़, भेड़े सीप्स, 1 सीप 2 सीप। तो हम उन भेड़ों को भी ठिकाने लगाते हैं, और हम यहाँ से भी चलते हैं। और फिर मैं थोड़ा सा वर्ल्ड को विजिट कर रहा था, और मुझे मिलता है एक ओशन मॉन्यूमेंट, है ना। और हम यहाँ आगे जा ही रहे थे कि मुझे दिखती है ओशन के पास में एक बिल्डिंग, जिसको मुझे नहीं पता कि क्या बोलते हैं, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि इसे क्या बोलते हैं, है ना। तो मैं जाके देखता हूँ कि इसके अंदर यहाँ पर क्या है। और मुझे सीढ़िया मेरे बीच में लगता है ऊपर कोई बॉक्स होगा, लेकिन ऊपर कोई बॉक्स होता नहीं है। तो देखता हूँ नीचे। अब तक अपना वर्ल्ड क्रिएटिव कर चुका हूँ कि मुझे फास्ट ट्रेवलर के सारा देखना था कि सेम है कि नहीं। और इसको देख के मुझे पता चला कि तो माइनक्राफ्ट की तरह ही सेम है, और ये माइनक्राफ्ट ही है एक्चुअली में। तो उनकी क्या ही बोलूं, तो बस मैं अंदर जाता हूँ। तो पता नहीं था कि अब यहाँ करना क्या है, पर यहाँ पर दिखते हैं 3 गेयर्स, तो मैं तीनों गेयर कर लेता हूँ। उसे पता नहीं था इन्हें करने से क्या होगा। तो फिर से उस साइड में गेट खुलते हैं, तो हम लोग भी जाकर देखते हैं कि उस गेट में क्या है। और जैसे ही हम यहाँ पर आते हैं तो 3 सेल जाते हैं। मुझे समझ में आया कि एक ट्रैप था, लेकिन ट्रक के अंदर एक रखी हुई पेटी, और इसके अंदर पता नहीं कौन सी लूट होगी। चलो मैं सबको मिलकर देखता हूँ। तो इसके अंदर कुछ गोल्ड नंगट्स पड़े हुए हैं, और ये जो भी चीजें बीकन्स बोन्स, तो 6 बोन्स और 3 गोल्ड नंगट्स पड़े हुए थे। तो काफी अच्छी लूट है, तो मैं इसे रखता हूँ और बाहर चल कर देखता हूँ। और फिर से थोड़ा सा एक्सप्लोर करके देखते हैं कि इसका वर्ल्ड कैसा है। और जैसे ही मैं थोड़ा सा आगे जाता हूँ फिर से, तो मुझे मिल जाते हैं कुछ कछुए। तो मैं देखता हूँ कछुए जो कि पानी के बाहर मजे ले रहे थे। तो मैं उन कछुओं को जाता हूँ, और मैं उन्हें हेल्प करता हूँ पानी के अंदर वापस जाने के लिए। कछुओं को होना चाहिए पानी में, इसलिए हम इन लोगों को थोड़ा सा अंदर चले जा। तो मुझे पता चलता है कि ये 2 कछुए थे, और यार पता नहीं दोस्तों साहब क्या कर रहे थे। मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आप लोगों को भी पता है इसका मतलब, बट ठीक है। ये लोग कुछ कुछ कर रहे थे छुपकर। और फिर मैं रात होने देता हूँ, रात होते ही मुझे मिल जाता है एक ज़ॉम्बी, जिसने पहन के रखा होता है गोल्डन हेलमेट, जो कि हमारे पास नहीं। तो वैसे भी लगा देता हूँ ठिकाने, और दूसरे ज़ॉम्बी को मैं लगा देता हूँ ठिकाने। लेकिन वही मुझे भी जाती है एक खोपड़ी, और मैं थर्डी को लगा देता हूँ ठिकाने। और जैसे ही मुझे सब कुछ लटकड़ा लगाते हुए दिखता है क्रीपर, और क्रीपर के साथ हम पंगा ही लेते हैं। क्रीपर से मुझे बहुत डर लगता है। जाते हैं भाग और ढूंढते हैं सेफ जगह, और वहां बनाते हैं एक हमारा पोर्टल, जिससे कि हम जाएंगे नीदर वर्ल्ड। ओके, बन गया है हमारा नीदर पोर्टल, बट इसने काम नहीं किया। और मुझे पता चला कि इसका साइज मैंने गलत बनाया है, तो मैं उसके सेप को चेंज करके सही करता हूँ। और फिर सही बनाने के बाद मैं फिर से करता हूँ आग, हमारा फ्रेंड एरिस्टीलियस, और आग लग जाती है, और मैं पहुंच जाता हूँ हमारे नीदर वर्ल्ड। और नीदर वर्ल्ड में पहुंचने के बाद जो सबसे पहली चीज हमारे साथ होती है, वो मेरे लिए बहुत अनएक्सपेक्टेड थी, क्योंकि मुझे घुसते ही मिल जाता सबसे पहले घास। हाँ यार, मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड थी। तो उसके बाद हम यहाँ पर घूमते हैं नीदर वर्ल्ड के अंदर थोड़ा बहुत। पर इसका जो नीदर वर्ल्ड था वो भी लगभग लगभग सेम ही था, कुछ नहीं कहीं मुझे प्लेग्स मिले। मुझे नीदर वर्ल्ड में हमारी नीदर सिटी होती है, या जो भी हम बोलते हैं नीदर टेम्पल, वो नहीं मिलता, पर वो इसमें एग्जिस्ट करता है, क्योंकि मेरे को दूसरे वर्ल्ड में मिला था, पर इस गेम में मुझे नहीं मिला। तो ठीक है, अब मैं चलता हूँ अपने नेक्स्ट गेम की तरफ।
इसका नाम है रियल क्राफ्ट। रियल क्राफ्ट आपने तभी खेला यार जब आपको माइनक्राफ्ट तो खेलना हो, लेकिन साथ में एंजॉय करना थोड़ा बहुत फूल का सा अलग स्पेस, क्योंकि इसके अंदर माइनक्राफ्ट के ऊपर एडिट चीजें भी है। चलो शुरू करते हैं गेम प्ले उसका। तो ये है हमारे रियल क्राफ्ट की लोडिंग और हम आ गए डायरेक्ट गेम के अंदर। रियल क्राफ्ट के अंदर जैसे मैं आता हूँ, मुझे यहाँ थोड़ी दूर चल मिल जाता है एक अंकल, है ना, मुझे फिलहाल एक अंकल सिर्फ छोड़ के गए। अब इसका वर्ल्ड है वो तो काफी माइनक्राफ्ट से लग रहा है। तो ये देखो अंकल, अंकल पता नहीं क्या बोल रहा है, शायद अंकल को वो पसंद नहीं आया। तो जैसे ही मेरे को अंकल देखे तो मैंने उन्हें पानी में धक्का दे दिया और मैं यहाँ से चला गया। और यहीं पे आगे जाने में मुझे थोड़ी सी बकरी, थोड़ी सी भेड़ और थोड़ी सी सुअर मिले। और ये सब तो यार हमारे कॉमन है, इनका टेक्सचर बहुत ही अलग दिख रहा है। फिर मैंने थोड़ी देर में निकाल लिया हमारे एंडर पर्ल और मैंने इनका यूज करके देखा, जिसका यूज कर नहीं पा रहा था। तो मैंने सोचा कि चलो यार थोड़ा सा विलेज ही ढूंढ लेते हैं, क्योंकि एंडर पर्ल्स का यूज नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे पता ही नहीं चला कि इनका यूज कैसे करना है, कुछ समझ नहीं आ रहा था, है ना। लेकिन एक चीज इस गेम में जो है मुझे अलग लगी कि जो ऊपर हमारा यूआई दिख रहा है ना, इसमें हमारा होम दिखा रहा है। जहाँ पे अपना रिस्पॉन्स सेट करते हैं वहां पे हमारा होम का साइन दिखा रहता है, इसको फॉलो करके हम घर जा सकते हैं। मतलब ये चीज अच्छी है। तो दिन से रात हो गया, मेरे को एक विलेज ढूंढते ढूंढते पर मैंने इसमें विलेज नहीं मिली। तो मैंने सोचा कि चलो रात में देख लेते हैं, कि रात में जो लाइट होते हैं वो ज्यादा होते हैं। तो रात होते ही मैं उस लोग घूमा, फिर रात होने पर मैंने, और रात में भी मैं थोड़ा सा घूम रहा था। रात में यार इसकी जो सीनरी थी मुझे बहुत अच्छी लगी। इसमें ना जो हमारे पहाड़ वहाड़ है वो बहुत बड़े हैं, अगर आपको थोड़ा सा इसमें एनिमल्स ज्यादा है और कुछ एनिमल्स अजीब से भी है। जैसे कि जैसे ही अभी रात हो रही है तो थोड़े टाइम बाद जब सुबह होगी, तो जैसे ही रात से सुबह होगी और मैं आसमान में उड़ रहा है, तो मुझे देख उड़ता हुआ क्या मिला, ये देखो यार। जस्ट मैं ऐसे उड़ के जा रहा था और मुझे मिला हुआ उड़ता हुआ एक बाज। तो हाँ यार इसके अंदर एनिमल्स ज्यादा है माइनक्राफ्ट के मुकाबले, और मजा भी आता है उन्हें देख के। तो अगर आपको थोड़ा सा नया कुछ एक्सप्लोर करना हो माइनक्राफ्ट के हिसाब से, तो आप गो फॉर दिस वन। ओके, रियल क्राफ्ट इज द गुड वन फॉर फॉर मी, बट मैं लोकी क्राफ्ट प्रेफर करूंगा। अब चलते हैं नेक्स्ट गेम की तरफ, जो कि है हमारा सर्वाइवल क्राफ्ट, है ना, सर्वाइवल क्राफ्ट 2 भी बोल सकते हो आप। तो अगर प्ले दबाते हैं और प्ले दबा के देखते हैं कि भाई जिया ने आप नए वर्ल्ड का नाम रख दिया और वो नया वर्ल्ड बनाते हैं। मैं तो क्रिएटिव ही बनाऊंगा, है ना, इजी इजी क्रिएटिव इजी। चलो प्ले करते हैं, प्ले करके देखते हैं कि इसके अंदर कैसा क्या है। तो यार इसके अंदर ना मुझे जो इसका वो था अपना आसमान, वो बहुत प्यारा लगा। लेकिन आसमान से भी प्यारा एक चीज लगी इसमें मुझे, मुझे भी लगी कि इसमें मुझे मिल गए थे बम। लेकिन बम्स के पहले मुझे मिला था एक भालू, तो मैंने भालू पर उतरा, लेकिन ये भालू थोड़ा गुस्से में लग रहा था तो मैंने इसको इग्नोर किया। और मुझे थोड़े से मिले कब्रिस्तान, तो मेरे को कब्रिस्तान खोदने पे मैंने देखा कब्र को खोद के कब्र के अंदर मुझे कुछ भी नहीं मिला, तो मैं यहाँ से भाग गया। उसके बाद फिर मैं अब यहाँ से भाग रहा था, मैंने देखा लिटरी खोल के उसके अंदर मेरे पास रखे हुए थे बम। उन्होंने बम से इन सब लोगों को उड़ा दिया, मुझे बहुत मजा आया। तो यार ये भी बढ़िया है, अगर आपको ये सब कुछ चीजें, इसमें भी नई चीजें हैं और मजा भी आता है, अगर आपको करना है तो आप ये कर लो, वरना आप चल सकते हो मिनी ब्लॉक क्राफ्ट की तरफ, जो कि है हमारा अगला गेम। तो यार इसके अंदर तो मैं घुसा तो पहले ही मुझे एक वर्ल्ड बना हुआ मिला, और इसके अंदर बहुत सारे वर्ल्ड थे जिसमें सेलेक्ट कर सकता था। और मैं यहाँ अंदर गया, यहाँ पहले ये भालू खड़ा हुआ है, थोड़ा आगे गया तो यहाँ कुछ लोमड़ी वोमड़ी थी, मुझे नहीं पता यार ये कौन सा जानवर भी कौन सा है ये। फिर मैं इनसे आगे बढ़ा, फिर मैं ऊपर आया, मैंने देखा कि दिन रात सब अपने हिसाब से हो सकता है। तो बहुत ज्यादा ही ऑप्शन दिए हुए यार इसमें, मतलब घूमना फिरना हो और बहुत ज्यादा कुछ करना हो तो यहाँ पे ये जानवर भी मैं अपने से ला सकता हूँ, सब कुछ अपने से ही कर सकता हूँ। तो ये गेम बहुत ऐसे ओपन साइज सभी कुछ दिया हुआ है, जो करना है कर लो, अपनी मर्जी चला लो, भगवान बन जाओ। तो ये देख लेना अपने हिसाब से। इसके बाद जो नेक्स्ट गेम है, तो बता रहा हूँ क्राफ्ट वर्ल्ड है वो, क्राफ्ट वर्ल्ड। और ये है भाई बिल्कुल माइनक्राफ्ट के साथ दूसरा गेम, जो क्राफ्ट के बाद में, तो आप इसे भी कर सकते हो डाउनलोड। चलो अपना वर्ल्ड क्रिएट कर लेते हो, मैं अपने वर्ल्ड का नाम रख रखता हूँ सब्सक्राइब कर दो। तो वर्ल्ड का नाम हमारे रख दिया सब्सक्राइब कर दो। चलो वर्ल्ड क्रिएट कर दिया क्रिएटिव में। और इसका यार देखो न्यूरेटरी भी सेम ही है, ये पूरा बिल्कुल एकदम सेम माइनक्राफ्ट जैसा है, जो सारी चीजें माइनक्राफ्ट जैसी बिल्कुल अलग नहीं है। ठीक है, हमने जो है ना चेस्ट स्पॉनिंग बंद कर रही, तो चेस्ट नहीं आई इस वर्ल्ड में, बाकी वो आप स्पॉन कर सकते हैं। इसी वर्ल्ड शुरू करता हूँ तो यार भेड़ मिल जाती है, तो मैं भेड़ को थोड़ा बहुत यहाँ पे मार कूद के आगे बढ़ता हूँ। जैसे ही हम आगे जाते हैं तो हमको यहाँ मिल जाती है एक विलेज, ज्वारी रेत वाली विलेज जो भी होती है ना, सैंड विलेज। और सैंड विलेज के अंदर फिर हम देखते हैं यार यहाँ पे, तो थोड़ा बहुत घूमता हूँ मैं, और नॉर्मल अपनी बिल्कुल सेम वैसी थी जैसी होती है माइनक्राफ्ट में। तो उसके बाद में वहां से भी निकल लेता हूँ, फिर हमें यहाँ मिल जाती थोड़ी सी गाय। अब सोच रहे हो सब कुछ थोड़ा सा अलग दिख रहा है, तो टेक्सचर पैक अलग है, टेक्सचर पैक है ना, और रिसोर्सेज पैक भी अलग है, जो कि हम चेंज कर सकते हैं बिल्कुल क्लासिक वाले से, और फिर उसके बाद में सेम ही दिखने लगेगा सब कुछ। उसके बाद में मिल जाते हैं थोड़े से पिक्स फिर से आगे जाने पे, और फिर मैं पिक्स से को मार मुर के वहां से आगे बढ़ता हूँ, तो मुझे मिल जाती है अपनी आइस बायोम। आइस बायोम के अंदर मैं बनाता हूँ अपना एक नीदर पोर्टल। आइस बायोम में मैं कोई विलेज ढूंढने कोशिश कर रहा था, बहुत रेयर होती है, तो फिर मैं नहीं मिलती तो परेशानों को बना देता हूँ एक अपना पोर्टल। और
और वर्ल्ड से हम चले जाते हैं यार नीदर वर्ल्ड में। तो नीदर वर्ल्ड में जाने के बाद में सोचता हूँ कि चलो यार यहाँ पर हम ढूंढ लेते हैं वो जो नीदर में सिटी होती है ना, जिसके अंदर हमें ब्लेज मिलते हैं। तो मैं आगे बढ़ता हूँ थोड़ा सा, और मुझे यहाँ पे तुरंत ही मिल जाती है, बिल्कुल तो लगा नहीं था इतनी जल्दी मिल जाएगी, लेकिन एकदम जल्दी से ही मिल जाती है। तो फिर मैं इसमें जाता हूँ, और जब जब नीदर सिटी में पहुंच ही गए तो यार फिर जल्दी से जाके दो चार अपने ब्लेज को भी मार देता हूँ। और यार फिर ऐसे यही पांचों आज मैंने आपको बताया था, इसमें कि पहला वाला लोदी क्राफ्ट और लास्ट वाला अपना जो ये था अपना क्राफ्ट वर्ल्ड, ये दोनों बहुत बेटर है यार। इन दोनों से आप कोई भी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि आप माइनक्राफ्ट खेल रहे हो या कोई और गेम। तो और दूसरा पार्ट भी इसका बनाया है मैंने, अगर आपको ये दोनों भी पसंद नहीं आए तो एक और वीडियो यहाँ पर मैंने दिया हुआ है, इसको देखो, इसके अंदर क्राफ्टिंग और बिल्डिंग है जो कि सेम टू सेम बिल्कुल ही माइनक्राफ्ट जैसा, बिल्कुल 1% भी नहीं है, तो आप उसको इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, लाइक करते हैं, सब्सक्राइब कर